अमृतसर में शिवसेना राष्ट्रीय भगवा सेना की तरफ से पंकज देवसर की अगुवाई में भारी तादाद में यूथ जुड़ा। पंकज देवसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज स्टूडेंट विंग की स्थापना की गई है और बहुत ही भारी तादाद में यूथ जुड़ा है और बहुत तेजी से यूथ जुड़ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 40 से 50 नौजवान लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतसर से सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट, लाइव भारत। असी शिवसेना राष्ट्रीय भगवा संगठन तो पंकज देवसर राष्ट्रीय प्रधान अज असी स्टूडेंट विंग की स्थापना की है, जिले जिला प्रधान ऋषि जी ने लगाया, जिला उप प्रधान कौशिक जी ने लाया, तो जिला का सैकटरी अतुल जी ने लाया, तो नाल भारी तादाद नौजवान अच्छे साढ़े शामिल होए ने। युवा बड़ी तेजी के नाल शिवसेना के नाल जुड़ रहा है। मैं ताडे चैनल के राही एक संदेश देना चाहता वा भी युवा नूं सही ट्रैक ते लिआउणा, जो सही ट्रैक ते चलणगे तो साडे देश की तरक्की है। युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इन्हां नूं सनातन समझना चाहिए। जो लोग धर्म नूं प्यार करते ने वो हमेशा पाप ते किसी ने धक्का करन तो दूर रहिंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं परमात्मा दा डर रहिंदा है। अज शिवसेना राष्ट्रीय भगवा 40 तो 50 मुंडे ज्वाइन होए ने। मैं सारे का स्वागत करता है। गांव जिहड़े जिले के साडे इत्थे कॉलेज ने उन्होंने प्रधान इन्होंने ही नियुक्त किए जाएंगे शिवसेना राष्ट्रीय भगवा पार्टी वालों, तो छेती ही वधिया तरीके नाल प्रोसैस किया जाएगा। देखो सरकार ही नगेली है, सरकार कोई भी हो, चाहे पिछे अकालिया की रही हो, चाहे कांग्रेस ने राज किया हो, चाहे हूँ आप दी हो, नशे तो किसी को भी ठल नहीं पई, क्योंकि इन लोगों दिया आप कमिश्नर ने यो लोग उन्होंने सरपरस्ती देंगे ने, तो सरकार कई इन्होंने अपने नुमाइंदे बैठे ने, नशे को ठल नहीं पैंती। जे दूजे पासे पंजाब पुलिस की गल करिए, एक सक्षम पुलिस है, हर थान से उन्होंने भावे 84 का टाइम ही चंगे काम किए, अतवाद खत्म किया, पर अज की डेट में जो कोई पुलिस अफसर किसी बंदे फड़ता है तो 10 मिनट पहला या 20 मिनट बाद बंदे का फोन आ जाता, उन्होंने छड़ना पैंदा वा, क्योंकि ये मजबूरियां ने। लॉ एंड आर्डर जिहड़ा वा वो सत्ता दे हत्थ आ, जो नहीं होना चाहिए। देखो आम पार्टी जदों साढ़े पंजाब आनी सी उदों इन्होंने कहा सी भी कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, पर अज इन्हां दा मंत्री रिश्वत दे विच फड़िया गया। फिर दूसरे पासे कहिंदे आ कि असीं कार्रवाई कीती। देखो कार्रवाई तुसीं कीती, की पता किड्डा वड्डा स्कैंडल जिहड़ा तुहाडे कोल सांभिया ले गया, नहीं तां तुसीं इहनूं छड्डण जरूर करते। आम पार्टी के जिहड़े सुप्रीमो ने केजरीवाल जी, साढ़े मानयोग भगवंत मान जी, उन्हां नूं इन्हां लोकां ते नत्थ पाउणी चाहीदी है। जिहड़ा होर भी करदा है उन्होंने देखना चाहिए वा, एनालिसिस करना चाहिए वा भी कि लोग नशे के तस्करों भी सपोर्ट कर रहे हैं, कि बदलियां ने पैसे खा रहे हैं, कि लोग जो कमिश्नर ने पैसे खा रहे हैं, जिदा विजय सिंगला जी ने खाधे। पंकज जी एक सवाल हो रहा है, सिखा जथेदार कालका साहब ने बयान दिता वा, तो कहते सिखा नौजवानों को फैंसी हथियार रखने चाहिए, तो शिवसेना कि देखे? देखो जोड़ा ये बयान ही वो आप 100% निंदा करते हैं। जिस कौम के नुमाइंदे या जथेदार उस कौम अंधेरे की राह लैके जाना चाहते हो, तो उस कौम का तो रब ही भला कर सकता। बाकी ये मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने कौम की गल है, वो आप देखे भी अपने बच्चे हाथ से हथियार फड़ाउणी है कि कलम फड़ाउणी है। कलम ना इतिहास लिखा जा सकता है, हथियार ना तुसीं वेख्या जो 84 च की लिखा गया, हथियार किसी की मौत का कारण नहीं बन सकता, कोई वह फायदा नहीं है। पर अजक के नौजवान पढ़े ने, चाहे वह सिख ने, चाहे वह हिंदू ने, चाहे होर धर्म के ने, अच्छ तुम वेख्या भारी तदार नौजवान साढ़े जुड़े ने। पर मैं एक गल साफ कहांगा, मजहब की कोई गल नहीं, जात पात की कोई गल नहीं है, नुमाइंदा कोई भी हो, चाहे सिख धर्म का हो चाहे साढ़े धर्म का हो, उन्होंने एक गल सोचनी चाहिए आ भी उन्होंने एक बयान के नाल किसी के हिरदे बलूंदरे जा सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग की सोचेंगे भी ये लोग साढ़े विरोधी ने। सिख हिंदुओं का 9 मार्च का रिश्ता है, इन्होंने चीज़ों का कितने आगे टिकेगा तो कि स्थान पर टिकेगा, इन्होंने चीज़ों को सोचना चाहिए। यहोजे
ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਲਾਜਨੈਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।